ऑक्सीजन लाओ। इधर आइए आप, इधर आप आइए इधर। ना ना सुनाओ 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 उसे बात पीछे तो की तरफ से तमाम औलिया इकराम गौसुल आज़म हमरे आज इसके द्वारा और कितना कम्बल वितरण किया है आज़म अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के द्वारा 300 कम्बल का वितरण किया गया है। चूँकि इतना ज़बरदस्त ठंडा पड़ रहा है ने इसको देखते हुए अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा ने ये प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए 5 तारीख का टाइम रखा। जो बुरी तरह से लोग ठंड से कुर रहे थे, जो लोग अभी यहाँ पर आए हैं वो लोग वही लोग हैं गरीब लोग जो इसको महसूस करते हैं कि हमको ज़रूरत है कम्बल की, उन लोगों को कम्बल दिया जा रहा है। और ये नहीं कि हाँ कहीं सभी जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये नहीं कि एक ही जगह के लोग हैं, ये सभी लोगों की जगह से आए हुए हैं। कम्बल का जो कूपन जो बांटा गया है हर मोहल्ला हर जगह पर दिया गया था। मकसद ये है कि अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा का मकसद यही है कि बिहार के अंदर में अभी इस तरह से जो प्रोग्राम अभी चल रहा है हम लोगों का अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा, ताकि गरीब बच्चे गरीब लोग ताकि इसका फ़ायदा उठा सके, और उन लोगों को हम लोग ने कम्बल दे रहे हैं जो लोग बिल्कुल असहायक है, जो जिसको नहीं चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है उन लोगों को हम लोग दे रहे हैं। और इस ये प्रोग्राम को हम लोग हर साल करते चले आ रहे हैं। मेरा नाम मेहताब अहमद हुआ, अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा जनरल सेक्रेटरी बाग बालूखा पट्टा सिटी। मुस्तफ़ा के तरफ से आज हम लोग काफ़ी ठंड की वजह से गरीबों को कम्बल वितरण करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और हर साल बांटा जाता है, इस साल भी हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। क्या मकसद है आपका? मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ठंड से बचाया जाए, इसलिए। और आगे किस तरह का इंशाल्लाह आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह से बांटे। आज 300 है, कल 500 होगा, 600 होगा, कोशिश रहेगा कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा वितरण किया जाए। भी बांटा गया है जी। मेरा नाम नियाज अहमद। अंदर जाइए।